अस्सलाम वालेकुम। किस्सा डायरी विद कैसर में आपको खुश आमदेद कहते हैं। किस्सा डायरी विद कैसर एक सफ़र है दिलचस्प आबीतियों, मन लुभाते किस्सों और खौफनाक कहानियों का, और इस सफ़र में आपकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां आप अपनी मनपसंद कहानियां हमें लिख कर भेज सकते हैं, जिनको आपके नाम के साथ शामिल किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लकड़ी के पुराने बोसीदा दरवाजे पर लगी लोहे की भारी जंजीरदार कुंडी को दरवाजे पे ठोक के किसी ने 3 बार जोरदार दस्तक दी। रहमान धूप में चारपाई डाले आधी बंद आंखों के साथ खांसते हुए हुक्के के लंबे लंबे कश लेते हुए सस्ता रहा था, और उसकी बूढ़ी बीवी जैनब चूल्हे के धुएं में मुसलसल फूके मारते हुए आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पे हुई दस्तक से वो चौंकी और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अपनी बूढ़ी आंखों में धुएं से आए पानी को उसने पल्लू से साफ किया और पलट कर रहमान को देखा। उसके चेहरे पर भी खुशी अयां थी और वो जैनब को देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराईं और दोनों ने चेहरों पे आए बेख्तियार खुशी के असरात एक दूसरे से छुपाने के लिए चेहरों पर झूठी संजीदगी तारी की और अपनी अपनी जगहों पे वैसे ही बैठे रहे जैसे दस्तक सुनी ही ना हो। दस्तक फिर हुई। जाते क्यों नहीं, दरवाज़ा तोड़ रहा है कोई, सुनाई नहीं देता? जैनब ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए रहमान को आवाज़ लगाई। तेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, तू ही देख ले जाके, मुझे नहीं इंतज़ार किसी का, रहमान ने हुक्के का कश लेते हुए लापरवाही जताते हुए कहा। जैनब ने थके थके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए और बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने डाक वाला खड़ा था। जैनब का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने सोचा था बरसों से हर आहट पे दरवाज़ा खोलने से जो मायूसी उसे होती थी, आज भी वही मायूसी सामने खड़ी उसका मुंह चिढ़ा रही होगी और गांव का कोई नाहंजार बच्चा दरवाज़ा ठोक के भाग गया होगा, या पड़ोस वाली बरकतें फिर नमक या धनिया मांगने आई होगी। पर आज तो उसके दिल की ख्वाहिश हकीकत बन के सामने खड़ी थी और डाक वाला सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और हाथों में चिट्ठी भी थी। सकीना के पिंड से तुम्हारे लिए खत आया है माई, डाक वाला बोला। जैनब खुशी से हवास बाख्ता हो रही थी। उसने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, आजा अंदर आजा जीवन जोगिया, बाहर क्यों खड़ा है? हत भी तो तू ही पढ़ के सुनाएगा हमें, हम चिट्टे अनपढ़ों को हत पढ़ना कहाँ आता है। और फिर वहीं से रहमान को आवाज़ लगाई और बोली, अजी सुनो, डाक वाला आया है, चिट्ठी आई है सकीना के पिंड से। रहमान बाबा खुशी से चौंक उठा और फौरन पहलू बदल के बैठ गया और बेताबी से डाक वाले को अपनी तरफ आते हुए देखने लगा। डाक वाले ने बैठकर चिट्ठी खोली और ख़त पढ़ना शुरू किया। अम्मा बाबा सलाम, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो और ये भी पता है कि मुझे याद भी करते होगे। कोई दिन ऐसा ना गुज़रा है जब मैं अपनी गलती पर नादम ना हुई और मेरी वजह से आप दोनों के दिल को जो तकलीफ़ पहुंची, उसका दर्द मुझे महसूस ना हुआ हो। पर शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। रहमान और जैनब की आंखें भीग गईं और जैनब आंसू साफ करते हुए बोली, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। खुशखबरी ये है कि ऊपर वाले ने मुझे बेटे से नवाजा है, आप दोनों की बहुत याद आ रही है, मुझे ना सही तो अपने नवासे को देखने जल्दी चले आएं, आपकी बेटी सकीना। हद सुनकर रहमान बाबा खुशी से चहक के बोला, खून है आखिर बोलेगा ही। जैनब ने भी चहकते हुए हाँ में हाँ मिलाई।
डाक वाला मुबारक दे के रवाना होने लगा तो रहमान ने खुशी से एक आना मिठाई के लिए उसकी जेब में डाल दिया। सकीना रहमान और जैनब की लाडों से पली इकलौती बेटी थी। आज से 2 साल पहले वो अचानक घर से गायब हुई और रहमान और जैनब को बगैर बताए रफीक से शादी कर ली और उसके साथ उसके गांव में जा बसी। शुरू का कुछ अरसा तो रहमान और जैनब गुस्से में उसे कोसते रहे और कभी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते कि किस कदर लापरवाह माँ है तू, बेटी के दिल की बात भी ना जान पाई। अगर तू वक्त पे मुझे बता देती तो मैं खुद उसकी शादी रफीक से कर देता, आखिर मेरे यार का बेटा था वो। मुझे क्यों कोसते हो, तेरा ही कसूर है। तू ही हर दूसरे दिन घर ले आता था उस रफीक को कि मेरे यार का बेटा है, बेटे जैसा ही है। अच्छी प्रीत निभाई तेरे यार के बेटे ने, जैनब रोते हुए रहमान को जवाब देती। और फिर कुछ अरसे बाद बेटी की मोहब्बत के मारे बेचारे रहमान और जैनब के दिल पसीजने लगे और रह रह के बेटी की याद सताने लगे और एक दूसरे से छुप के आंसू बहाते, दरवाजे पे होने वाली हर आहट पे चौंकते कि शायद बेटी की कोई खबर आई हो। रहमान ने बज़ाहिर ऐलान कर रखा था कि मेरे सामने अब कोई सकीना का नाम तक न ले, मेरे लिए वो मर चुकी है। जैनब को भी सख्ती से ताकीद थी कि अगर उसने बेटी से मिलने की ख्वाहिश की तो उसे घर से निकाल देगा, लेकिन कल से सूरत हाल बदल चुकी थी। कल जब दो गली पार रहने वाली आसिया ये खुशखबरी सुनाने के लिए आई कि उसका घर वाला सकीना के पिंड किसी काम से गया था और ये खबर लाया है कि सकीना को खुदा ने चांद सा बेटा दिया है, मुबारक हो बाबा, मुबारक हो जैनब ताई। जैनब ये खुशखबरी सुन के भीगी आंखें लिए कभी रहमान को देखती और कभी आसिया से फिर खबर की तस्दीक करती। रहमान का चेहरा पहले तो खुशी से खिल उठा और नवासे की पैदाइश की खबर सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे वो फिर से जवान हो गया हो, लेकिन फिर कुछ सोचकर चेहरे पर नागवारी के तासरात आए और बोला, तो हम क्या करें जी, हमें कौन सा किसी ने खत लिखकर दावतनामे भेज दिए कि आओ नवासे की शक्ल देख लो, यही मान रखा बूढ़े माँ बाप का। खबरदार किसी ने इस बारे कोई ज़िक्र किया हो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। रहमान का गुस्सा देखकर जैनब की खुशी भी बुझ गई और वो खामोशी से बैठ गई। बेटी और नवासे से मिलने की ख्वाहिश दिल में जाग तो उठी ही थी, इसलिए रहमान भी बहाने तलाश कर रहा था। अपने जूतों पर नज़र पड़ी तो देखा जूते के ऊपर जूता पड़ा है, ठोकर लगाकर जूते को हटाया और बोला, कौन सा सफ़र है अब नसीब में, जुत्ती पे जुत्ती चढ़ी हुई है। जैनब पल्लू में मुंह छुपाते हुए बोली, जुत्ती को क्यों इल्ज़ाम देते हो जी, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि बेटी और नवासे की तरफ सफ़र का इरादा है। रहमान ने आंखें चुराते हुए झूठा गुस्सा दिखाया और बोला, अरे जाहिल तुम्हें क्या पता, बड़े बूढ़े कहते हैं अगर जुत्ती पे जुत्ती चढ़ी हुई नज़र आए तो ये किसी आने वाले सफ़र की खबर होती है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, जैनब हंसते हुए बोली। आज सुबह फिर रहमान बाबा जागा, मसवाक करते हुए सहन में आ बैठा। जैनब वसी सहन में झाड़ू लगा रही थी, रहमान की नज़र जूतों पर पड़ी तो बोला, ले फिर जुत्ती पे जुत्ती चढ़ी हुई है, सब समझता हूँ मैं, तेरे इस तरह जुत्ती पे जुत्ती चढ़ा के रखने से मैं क्या चला जाऊँगा सकीना के पिंड में बिन बुलाए चला जाऊं, मैं नहीं जाने वाला, कोई सफ़र नहीं होने वाला, भूल जा। अरे बाबा मैं कब धक्के मार के भेज रही हूँ, खुद ही बात से बात बनाए जाते हो, जुत्ती पे जुत्ती चढ़ना भी भला किसी सफ़र की खबर होती है, जाओ काम करो जाके अपना बड़े मियाँ। और अब जब डाक वाले ने सकीना की चिट्ठी और माफ़ी के साथ दावतनामा पढ़ के सुनाया तो जैसे रहमान और जैनब के सारे गिले ही दूर हो गए। जैनब बोली, तुम कल सुबह ही रवाना हो जाओ जी, और कोशिश करना सकीना और मुन्ने को अपने साथ कुछ दिनों के लिए यहीं ले आओ। रहमान भी खुशी से बोला, हाँ हाँ ठीक कहती हो, देख ले फिर
जुत्ती पे जुत्ती चलने की खबर सच साबित हुई ना, सफ़र आ गया ना। रहमान खुशी से चरपाई से उठ के खड़ा हुआ और पगड़ी सर पे टिकाते हुए बोला, कहाँ चले? जैनब ने पूछा। अरे जाके चांदी का झुनझुना बनवाओ नवासे के लिए, पहली बार मुंह दिखाई हो रही है। तू भी नवासे और सकीना के लिए कुछ तैयार कर दे, हाली हाथ तो नहीं जाऊंगा बेटी के पास। हाँ हाँ फिक्र ना करो, बहुत कुछ जोड़ के रखा हुआ है मैंने। जैनब भी खुशी खुशी तैयारी में लग गई। देसी घी से तिल की पिनियाँ बनाई, रेशम के कपड़े जोड़ जोड़ के मुन्ने के लिए गर्म शाल बनाई, देसी खल पे बना सुरमा और दूसरी बहुत सी सौगातों के साथ एक पोटली बना दी। चांदी का झुनझुना भी रहमान ने उन चीज़ों के साथ रख दिया और रात गए दोनों मुन्ने और सकीना की चीज़ें देख देख कर खुश होते रहे। और फिर जैनब बोली, अब तुम सो जाओ जी, सुबह तड़के पिंड की बस पकड़नी है। सुबह मुंह अंधेरे रहमान ने सबसे अच्छा लिबास जेब तान किया, अपनी पगड़ी सर पे टिकाई और खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ जैनब को बोला, अच्छा भागवान मैं चलता हूँ, सुबह का उजाला फैलने तक मैं सकीना के पिंड पहुँच जाऊँगा और कल नहीं तो परसों ज़रूर तेरी बेटी और नवासे को ले कर वापस आता हूँ। जैनब ने खुशी खुशी उसे चीज़ों की पोटली थमाई और रुखसत किया और दरवाजे पे खड़ी उसे दूर तक जाते देखती रही। रहमान ने कच्ची सड़क से बस को रोका और सवार होकर सीट पे बैठ गया। बस में भांत भांत के लोग सवार थे। कंडक्टर ने रहमान को सीट पे बिठाया और बोला, बाबा अपनी पोटली ऊपर रख दो और खुद आराम से बैठ जाओ। रहमान ने पोटली को ज़ोर से पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं इसमें कीमती सामान है, तुम मेरी फ़िक्र ना करो मैं ठीक हूँ। बस रवाना हुई। रहमान अपनी सीट पे खिड़की से सर टिकाए ख्यालों के समंदर में मगन मंजर कशी कर रहा था कि कैसे बेटी को गले लगाएगा, कैसे नवासे को प्यार करेगा और कैसे अपने दामाद को डांटेगा कि उसने सकीना को बहका के उसके साथ शादी कर ली और इतना अरसा इनकी खबर तक न ली। न जाने कब उसकी आंख लग गई और फिर एक झटके से उसकी आंख खुली और उसने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया। बस रवां दवां थी और फिर अचानक उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसके पहलू में पड़ी उसकी पोटली गायब थी, शायद साथ बैठा कोई मुसाफिर ले के चलता बना था। रहमान ने चीखते चिल्लाते इधर उधर देखना शुरू किया, मेरी पोटली कहाँ है, कहाँ गई मेरी पोटली? कभी सीट के नीचे झांकता, कभी दूसरे मुसाफिरों से पूछता। इतने में कंडक्टर पास आया और बोला, क्या बात है बाबा, क्यों सबको परेशान कर रहे हो? रहमान ने आपे से बाहर होकर कंडक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। तू ही पोटली के बारे में बार बार पूछ रहा था, तूने ही गायब की है मेरी पोटली, बता कहाँ है, कहाँ है मेरी पोटली? कंडक्टर ने बहुत छुड़ाने की और समझाने की कोशिश की पर रहमान पे तो जैसे कोई भूत सवार था। आहिर ड्राइवर ने बस की स्पीड कुछ कम की और कंडक्टर ने तैश में आकर अपना गिरेबान छुड़ाया और रहमान को बस के दरवाजे से बाहर धक्का देकर फेंक दिया और बोला, चलो उस्ताद स्पीड पकड़ो, ये तो कोई खपती बुड्ढा था। बस फराटे बरती आगे बढ़ गई। बस से गिरते ही रहमान का सर सड़क किनारे पड़े एक पत्थर से टकराया और उसकी रूह परवाज कर गई। माथे से खून मुसलसल बह रहा था और उसके जूते पाँव से उतर के दूर जा गिरे थे और एक दफ़ा फिर जूते पे जूता चढ़ा सफ़र की खबर दे रहा था और रहमान अपने उस आखिरी सफ़र पे रवाना हो चुका था।